F3 Ambient Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambient Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियां की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambient Mall। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambient Mall। অঞ্জলি লহমোর সঙ্গীতে, অঞ্জলি লহমোর সঙ্গীতে, প্রদীপ শিখা সম কাঁপিছে প্রাণ মম, তোমারে সুন্দর বন্দিতে সঙ্গীতে, অঞ্জলি লহমোর সঙ্গীতে। और न्यूज अंडमान 24/7 नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 25 मई 2023 को अतुल स्मृति समिति का 77वां फाउंडेशन डे मनाया गया। हम आपको बता दें कि अतुल स्मृति समिति को पूरे अंडमान वासी ज्यादातर बंगाली क्लब के नाम से जानते हैं। इसी उपलक्ष्य में वहां की कमेटी ने ऑल अंडमान चेस टूर्नामेंट का भी आयोजन किया, जहां छोटे से बड़े बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर को मनाने के लिए अतुल स्मृति समिति की ओर से बच्चों के लिए और भी बहुत सारे प्रतियोगिताओं को कराया गया था और 25 मई को उन सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर कमेटी ने पूरे शाम को मनोरंजक बनाने के लिए बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम तथा भोजन का भी इंतजाम किया गया था। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं अतुल स्मृति स्मृति, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और पूरे अंडमान निकोबार में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो बंगाली क्लब को नहीं जानता होगा। बंगाली क्लब जो है आज के दिन ही स्थापित हुआ था 1946 में, यानी 77 साल पहले। तो उन्हीं फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ पर एक अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन की तरफ से बहुत बड़ा चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और साथ ही बहुत सारे रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। चलिए हम ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स हैं, कमेटी के मेंबर्स हैं, उनसे बात करते हैं और अतुल स्मृति स्मृति यानी बंगाली क्लब के बारे में कुछ और जानकारियां लेते हैं। अतुल स्मृति समिति का 77th फाउंडेशन डे है, ये हमारा गर्व का जगह स्थल है। हमें अतुल स्मृति समिति को पिता माता का वादी, हम इसको अपना जगह समझता है। सर, आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम सुप्रियो मंडल है। आप यहाँ के क्या हैं? हम यहाँ का जॉइंट सेक्रेटरी है, अभी एक्टिंग सेक्रेटरी है। मेरा नाम रंजन पद्दार है, मैं बहुत साल इसमें सेक्रेटरी रह चुका हूँ और ये क्लब बना है 1946 में। 1946 में तब यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारी ये क्लब का जो 47 में इसका बायलॉज बना और 47 में इंडिपेंडेंस के 4 दिन पहले यहाँ का चीफ कमिश्नर हम लोग का जो बायलॉज है उसको मान्यता दी 25 मई 1947 में। अतुल स्मृति समिति से पहले, ये अतुल स्मृति समिति क्लब से पहले इट इज़ लाइब्रेरी का नाम से हुआ था, एक लाइब्रेरी, देन लाइब्रेरी आस्ते आस्ते बड़ा होते होते ये क्लब में आ गया है। जो हम लोग सोशल कल्चरल सब करते हैं, मैक्सिमम कल्चरल एक्टिविटी बंगाली लोग का जितना कुछ कल्चरल एक्टिविटी सब यहाँ होता है। और आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा बंगाली क्लब का सबसे बढ़िया पूजा होता है, जो हम लोग मेनलैंड से सब मूर्ति मंगाते हैं, जो हम लोग पहले ही शुरू करे थे। यही बंगाली क्लब का एक निदर्शन जगह है, जहाँ दुर्गा पूजा में सब आदमी, ऑल कम्युनिटी यहीं में आते हैं। हम तो एक सेक्रेटरी बोल दिया सब कुछ, हम मेंबर है बंगाली क्लब का। आप कुछ क्या बताना चाहेंगे सर? ये खाली बंगाली का क्लब का यहाँ का आदमी नहीं देखता, ये क्लब जो है ये हर धर्म का, हर जाति का आदमी लोग यहाँ में आता है, हर जाति का आदमी यहाँ में आता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सब आता है, सब एंजॉय करता है, हो रहा है, यही हमको सबसे बड़ा सुख एवं आनंद का यही बात है हमारा। थैंक यू सर। तुम्हें
তাই এসেছিল তুমি চির সত্যের সঠিক পথে ধরে তোমার কলমে বিদ্রোহ নামে তাই প্রতি অক্ষর নসরুল তুমি প্রেমের কবিও ছড়ালে যে ভালোবাসা সে ভালোবাসায় লিখেছি একটি শুভ্র আলো अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री निलेया जी, हम उनसे आज के इस कंपटीशन और बंगाली क्लब का जो फाउंडेशन डे है आज, उसके उपलक्ष्य में हम उनसे चंद शब्द जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये फर्स्ट अतुल स्मृति समिति का ओपन चेस टूर्नामेंट है, ये जो कि बंगाली क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन एसोसिएशन विद साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन अंडर द एजिस ऑफ अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन सर। मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स जो है इसमें भाग ले रहे हैं और आज सवेरे श्री गिरीश कुमार SHO अबड़िन बाजार इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और करीब 7 राउंड्स में जो है पार्टिसिपेंट्स खेलेंगे। ये लीग मैचेस है, नॉट नॉकआउट, तो सभी बच्चे जो है 7 राउंड्स खेलेंगे और अंत में जो है विनर्स डिक्लेयर किया जाएगा। कंपटीशन ये सिर्फ अंडमान के लेवल में ही होता है कि यहाँ से बच्चों को नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में जाने का भी कोई मौका मिलता है, ऐसा कुछ है? यस सर, ये जो है ये अंडमान लेवल का ओपन टूर्नामेंट है, बट वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट हम लोग कर रहे हैं और हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल में भी जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कस्तूरी बाई, कस्तूरी बाई जो रिसेंटली जो है अंडर 17 नेशनल स्कूल्स में थर्ड पोजीशन, माने ओवरऑल इंडिया में थर्ड पोजीशन है वो बच्ची का, और थर्ड पोजीशन आने का वजह से सी वॉज क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड स्कूल चेस चैम्पियनशिप, हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली सी कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट चैम्पियनशिप एट ग्रीस ड्यू टू पासपोर्ट इश्यू, बट होपफुली सी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन एशियन गेम्स। या तो कसूरी आज यहाँ आई है खेलने? नो 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 सर, शी इज़ नॉट प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट, अदर प्लेयर्स आर प्लेइंग। थैंक यू सर एंड गुड लक, कंग्रेचुलेशन। चलिए अभी हम सुभाष जी जो अतुल स्मृति इनके स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं एग्जीक्यूटिव, हम उनसे बात करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को लेकर उन्हें क्या कहना है उनसे चंद शब्दों में जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अतुल स्मृति समिति की ओर से सभी लोग को समिति का फाउंडेशन डे का और नजरुल जयंती का अवसर पर सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग क्लब का ओर से, स्थिति समिति का ओर से बच्चे लोगों के लिए ऑल अंडमान चेस कंपटीशन आयोजित किया गया, तो बच्चा यहाँ का लोकल जो स्टूडेंट लोग है, बहुत सारे आउट ऑफ स्टडी जो लोग काम लिखा पढ़ा छोड़ दिया, सभी के लिए हम लोग यहाँ का एक इंडोर गेम को बढ़ावा देने के लिए क्लब का तरफ से आयोजित किया गया है, इसमें अच्छा हिस्सा लिया है 142। तो नेक्स्ट टाइम में भी हम लोग क्लब का इस तरफ, ये छोड़ के भी हम लोग ड्राइंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन रखा था, उसका भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा क्लब पोर्ट ब्लेयर में बहुत वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, बहुत कंपटीशन बच्चे लोगों के लिए, ड्राइंग क्विज ये सब करते रहा है, करते रहेंगे। थैंक यू सर। दोस्तों, वह सबसे पहले बंगाली क्लब के जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट से लेकर तमाम जितने भी मेंबर्स हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मुझे इस कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए बुलाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Oh,
শিখা সম কাঁপেছে প্রাণ মম তোমারে সুন্দর বন্দিতে সঙ্গীতে অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে তোমার দেবালয়ে কি সুখে কি জানি দুলে দুলে জোঠে আমার দেহ খানি আরতি নিতের ভঙ্গিতে সঙ্গীতে অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে কুলাকে বিকশিল প্রেমের শত দল গন্ধে রূপে রসে তুলেছে টল মল তুলাকে বিকশিল প্রেমের শত দল গন্ধে রূপে রসে তুলেছে টল মল তোমার মুখে চাহি আমার বাণী যত আমার বাণী যত তোমার মুখে চাহি আমার বাণী যত লুটাইয়া পড়ে
ভরা ফুলের মতো তোমার পদ তল রঞ্জিতে সঙ্গীতে অঞ্জলি লহমোর সঙ্গীতে প্রদীপ শিখা সম কাঁপেছে প্রাণ মম তোমারে সুন্দর বন্দিতে সঙ্গীতে অঞ্জলি লহমোর তোমারে সুন্দর বন্দিতে সঙ্গীতে অঞ্জলি লহমোর हम धन्यवाद करते हैं अतुल स्मृति समिति के तमाम कमेटी मेंबर्स को जिन्होंने इतनी खूबसूरती से पूरे कार्यक्रमों का एक शानदार पेशकश हम सबके सामने रखा और लोगों का भी मन मोह लिया। साथ ही बच्चों के लिए ढेर सारे प्रतियोगिताएं भी कराने के लिए सबने उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दिया। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस खबर से विदा लेती हूँ। नमस्कार।